Hey guys, welcome back to my channel. So, आज है डे टू और हम बनाने वाले हैं कैटरीना कैफ टू. ये वो फोटो है उसकी. पूरी कोशिश करूँगा मैं कि आज ही कंप्लीट हो जाए और डे थ्री की तैयारी भी चालू है. तो चलो मिलते हैं मैं वीडियो. तो गाइज हम आईज और हेयर्स के लिए यूज़ करेंगे चारकोल सॉफ्ट पेंसिल. तो देखो आप मैं कैसे बनाता हूँ. वैसे मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है चारकोल पे, तो आप देख सकते हो. और मेरे को चारकोल में अभी इम्प्रूव करनी है अपनी ड्राइंग, तो मैं अभी लगातार चारकोल पर ही वर्क करे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरा ग्रेफाइट की तरफ स्ट्रॉन्ग जोन बन जाए. तो चलो देखो आप ये अभी कैटरीना कैफ. अभी HB पेंसिल का यूज़ करेंगे हम फेस में शेड करने के लिए. एकदम स्मूथ बनाएंगे हम इसे, बिल्कुल रियलिस्टिक. अभी तो HB पेंसिल का यूज़ करके हम पूरे फेस को शेड देंगे, फिर उसे टिश्यू पेपर या ईयरबड से ब्लेंड कर लेंगे हम. ये देखो उससे ही ब्लेंड कर रहा हूँ मैं. और ये साइड में बुलेट वाले भैया से ले गए. और अभी ये है 2B पेंसिल 8 लाइन की. तो आपको बता दूं मैं कि मैं कल ही लेकर आया हूँ कैमलिन की नई पेंसिल्स. अब 8 लाइन की पेंसिल को हम थोड़े दिन बाय बाय कर देंगे और हम कैमलिन पेंसिल से बनाएंगे. और मैं साथ ही साथ लाया हूँ कार्ट्रिज पेपर बहुत सारे, क्योंकि अब हमें शीट लेने जाने नहीं पड़ेगा. अब हम उसको एक A4 साइज का काट के इतनी सारी बना देंगे कि कभी कमी ना हो हमें. उस पर ही सारे वर्क करेंगे अब हम अपने. तो बने रहिएगा हमारे साथ भरत परमार आर्ट्स चैनल पर. तो अभी ये 2B पेंसिल का यूज़ चल रहा है और अब ब्लेंड कर रहा हूँ मैं इसको. अब थोड़ा और डार्क 4B पेंसिल का यूज़ करके. साइड में बच्चा बोल रहा है तो उसको इग्नोर कर देना. छोटी छोटी जगह में मैं ईयरबड्स का यूज कर रहा हूँ, पर अब से ईयरबड्स हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ले आया हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प्स. तो अब से आपको मेरे चैनल की वीडियो पे दिखेगी ब्लेंडिंग स्टम्प्स. तो देखते रहना अंत तक. वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो. और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो, क्योंकि 30 डेज 30 वीडियोस का चैलेंज हमने ले लिया है. तो देखना आप ये क्या हम बना पाते हैं 30 डेज 30 वीडियोस या नहीं. और ये अब चारकोल पेंसिल से हम बनाएंगे इसकी हेयर. जैसे जैसे ये है मैं उस हिसाब से बस स्ट्रोक्स लगाने और